तो ये देखें थारपारकर नस्ल की गौ माता आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अडर क्वालिटी के साथ और 40वीं पशु प्रदर्शनी के अंदर सबसे आकर्षक का केंद्र जो बनी हुई है, ये देखें आप टॉप क्वालिटी थनों का स्पेस देखें आप और पिंक कलर के जो आपको थन दिखाई दे रहे हैं। तो ढलती हुई शाम है, मेले का पहला दिन है और जो पूरी डिटेल है इसकी वो भी लेना चाहेंगे। ये देखें आप बहुत ही सुंदर लाजवाब। तो हेलो इन लक्की सन ऑफ गोवर्धन गांव नांदा, तो इसकी जो डिटेल है वो लेते हैं। तो बहादुरगढ़ से ये गायें लेकर के आए हैं। तो नमस्कार भाई साहब, उनका तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप आए हो और कहाँ से आप मतलब कितनी गायें लेकर के आए हो। है अपना भतीजा नरेंद्र है जो ये फार्म को संभालता है। अच्छा अच्छा, नरेंद्र भाई हैं। अच्छा बहादुरगढ़ में, ठीक है ठीक है। और ये गायें कितने मतलब थर्ड लैक्टेशन में है। थर्ड लैक्टेशन में कितने के दूध उत्पादन की है। दूध उत्पादन 19 लीटर तक है। अच्छा 19 लीटर तक दूध दिया है। तो कितनी थारपारकर मतलब और भी लेकर के आए हो आप। थारपारकर कम है, साहिवाल ज्यादा। अच्छा साहिवाल गायें भी लेकर के आए हो, ठीक है ठीक है। ये वहाँ से वहाँ तक सारी अपनी। अच्छा अच्छा, ये वाली जो पीछे जो साहिवाल हैं, ठीक है जी ठीक है। और ये देखें आप नरेंद्र भाई हैं, ये बाबूगढ़ छावनी 3727 उसकी अच्छी 3727 जो बुल है 3727 बाबूगढ़ फार्म से। बाबूगढ़ फार्म जो सूरतगढ़ से वहाँ गया है। तो अच्छा अच्छा, उसकी बेटी है। और ये 841 ये जो इसकी आप काफ देख सकते हो, ये देखिए आप तो 20841 जो बुल है, ये भी काफ़ी शानदार बहुत ही लाजवाब। तो मिल्क उसमें ब्यूटी में आप कंपटीशन लड़ोगे थारपारकर कैटेगरी में। ठीक है जी, बहुत शानदार। तो बहुत ही शानदार गौ माता है, उसको आप देखें ढलती हुई शाम में बहुत ही लुभा रही है ये। करेक्टर बहुत ही शानदार, ये देखें आप बहादुरगढ़ दिल्ली से सटा हुआ जो है बहादुरगढ़, वहां से ये गायें आई हैं। बहुत ही बढ़िया, सबसे ज्यादा आकर्षित जो यहाँ पर कोई गौ कर रही है तो वो ये गायें। बहुत बढ़िया। आपका नाम अंकल जी क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र, अच्छा ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अन्य जो इसकी गायें हैं ये भी एक बार देखें, साहिवाल। ठीक है जी, हटे उठो।